कोई बुर्का पहन के कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था। इसमें जो संजोली वाली जो विवादित स्थान है उसको पूर्णतः सील किया जाए, जो कि विवादित स्थल है, वहाँ पे सबका आना जाना मना है, तो उस व्यक्ति को वहाँ पे क्यों परमिशन दी गई? शिमला क्वीन ऑफ हिल्स है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर काफी बवाल हो रहा है। बवाल मस्जिद का है, लीगैलिटी का है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मदन शर्मा है, जो कि सचिव है देवभूमि संघर्ष समिति के। एक हमने देखा, एक सद्भावना मार्च किया गया जहां पे लोग एकजुट आए, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक आप हैं और हिंदू संगठन हैं जो मिलके 28 तारीख को मार्च कर रहे हैं। क्या मकसद है, आपको क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ? जो ये आज लोग आए थे, जो सद्भावना रैली निकाल रहे थे, एक साल पहले ये नारे लगा रहे थे शिमला में कि मूर्तिवाद से आजादी, सनातन धर्म से आजादी। और ये मुख्य लोग वो लोग थे जिन्होंने हमेशा दूसरे लोगों को प्राथमिकता दी है, यहाँ के लोगों को ना कभी रोजगार में सहायता की है ना किसी अन्य प्रकार में। तीसरी चीज, जो ये लोग आज सद्भावना का चूर्ण बांटने आए थे, उन लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि जब मनोहर हत्याकांड चंबा में हुआ था तो क्या इनका चूर्ण खत्म हो चुका था? जब उन्ना में हमारी लड़की के साथ वहां पे एक विशेष वर्ग के व्यक्ति ने उसको काटा था तो इनका चूर्ण समाप्त हो गया था? परंतु जहां पे इनका नैरेटिव सूट करता है ये लोग वहीं पे ही काम करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश का हमेशा जो शांति प्रिय प्रदेश है वो उसका माहौल बिगड़ता रहे। आप मुझे एक चीज बताएं कि इससे पहले जिस वक्त संजोली में वो वारदात हुई, एक व्यक्ति को मारा जाता है, 14 टांके उसके सिर में लगते हैं, एक सद्भावना रैली वाला बताया कि उसके घर में जाके बात करने गया, उसको सांत्वना देने गया। ये लोग आप लोगों ने किया? हमने जाके किया, यशपाल मेरा दोस्त है, हम उनके पास जाके उनसे बात की, उनको कहा कि हम लोग ये लड़ाई अंत तक लड़ेंगे, हिमाचल प्रदेश को हमें बचाना है, बांग्लादेश। तो आपकी मुख्य तौर पे मांग क्या है, कल जब आप मेमोरेंडम देंगे, डीसी ऑफिस जाएंगे, क्या आपकी मुख्य मांगे और कितने लोग जुटेंगे? देखिए, संख्या का तो पता नहीं है, क्योंकि संख्या जिस प्रकार से पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे भारत में जिस प्रकार से ये लोगों में आक्रोश है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और आज हमने काफी भीड़ देखी, खासतौर पे अगर हम बात करें ये जो सद्भावना है, तो हमने ये भी देखा कि जब संजौली में हुआ तब भी काफी भीड़ निकली, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शिमला बटा हुआ है इन दो आइडियोलॉजीज में, इन दो राय को लेकर। जो आज लोग थे उसमें चार लोग गिन के यहाँ के स्थानीय थे, बाकी सब बड़े परे से आए हुए थे। शिमला के वो स्थानीय, मैं बात कर रहा हूँ शिमला के स्थानीय लोगों की, शिमला के स्थानीय लोग कितने थे उसमें? कोई बुर्का पहन के कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था। यहाँ के अगर स्थानीय लोगों की बात करें, यहाँ के लोगों की अगर हम बात करें, तो एक भी व्यक्ति नहीं था सिर्फ नेतृत्व को छोड़ के। और वो लोग जो सद्भावना रैली निकाल रहे थे वो एक ही माँ के बच्चे थे, वो नाम अलग अलग थे बच्चे। आपसे पूछिए, मांग क्या है आपके, डीसी को मेमोरेंडम क्या देंगे? जो हमारी मांगे हैं, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जो संजोली वाली जो विवादित स्थान है उसको पूर्णतः सील किया जाए, जिसमें अभी तक ये लोग कहते हैं कि ये सील की हुई है, परंतु राज्य प्रदेश सरकार ने वहां पे दो दिन पहले किसी एक जमाई नाम के व्यक्ति को वहां पे राज्य अतिथि घोषित करते हुए वहां पे ले गए, जो कि विवादित स्थल है, वहां पे सबका आना जाना मना है, तो उस व्यक्ति को वहां पे क्यों परमिशन दी गई? जब वो विवादित स्थल है वहां पे उसको पूर्ण रूप से बंद क्यों नहीं किया जाए? वहां पे आज भी नमाजें पढ़ी जा रही, क्यों पढ़ी जा रही है? जब इस्लाम में भी कहा गया है कि जहां पे नमाज, जो विवादित स्थल है वहां पे नमाज नहीं अदा की जाती, तो वहां पे कितना मजा आ रहा है इनको नमाज अदा करने में? ये सिर्फ माहौल खराब करने का। और जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने वहां पे दूसरी मांग जो हमारी है, वहां पे ये जो जितने भी लोग रोहिंग्या है ये बाहर से, इनको आइडेंटिफाई किया जाए, ये कौन लोग हैं, किस तरह से कौन लोग इनको शेल्टर कर रहा है, ये सभी लोगों की एक एक तारीख की जो आधार कार्ड इनके बने हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कौन सा क्या किस प्रकार का कोई जुर्म करके आए हैं? और इसके अलावा भी कोई मांग है? इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का माहौल को शांत करने के लिए हमारी मुख्य महोदय से निवेदन रहेगा कि हिमाचल प्रदेश का जो कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो बेहतर कदम है, जो कानून का अगर आप लोग दुहाई देते हैं कि हम कानून के हिसाब से चल रहे हैं, तो कानून सबके लिए है, कानून किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। क्यों एक वर्ग को जेड प्लस सिक्योरिटी दे, जो अवैध है वो अवैध है। और अवैध जब विक्रम सिंह जी और अनिरुद्ध राणा जी ने अपने खुद खुल के शब्दों में कहा, विधानसभा में उन्होंने कहा कि ये हिमाचल प्रदेश की जगह है, जब हिमाचल प्रदेश की जगह है तो क्या अनर्थ हो गया? आपने जेल भरो आंदोलन की भी बात की है, उस
वो क्या प्लान है? यदि पांच तारीख को निर्णय नहीं आता तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोगों को वही बचा है। हिंदुओं को तो पूरे संसार में कहीं हिंदुओं को अन्य देश नहीं है। अगर भारत में भी यही लोग आके रहेंगे, सरकारें इनको प्राथमिकता देगी, तो हम लोग कहां जाएंगे? हमारे बच्चे कटते आ रहे हैं, लव जिहाद हो रहा है, तरह तरह के हमारे साथ वारदातें हो रही है, हमारी कौन सुनने वाला? जेल भरो आंदोलन, अभी जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था की बात नहीं हुई, अगर आप बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो बाकी लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं काम करने के लिए, तो अगर वो जा रहे हैं, राइट टू एक्सरसाइज है, चाहे वो रिलीजन के प्रैक्टिस का क्यों ना हो, तो उस पे आपको लगता नहीं है कि एक सवालिया निशान है, खासतौर पे देवभूमि जहाँ पे इस तरह की चीजें पहले नहीं देखी गई है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में इससे पहले भी लोगों की आवाजाही थी। अभी कुछ एक लोगों की मैं बातें सुन रहा था, ऑफिसरों की मैं बातें सुन रहा कि वो उस चीज को पर्यटकों के ऊपर लेके जा रहे हैं कि पर्यटक के ऊपर इसका धब्बा पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, किसी भी पर्यटक के ऊपर, इस चीज के ऊपर कोई धब्बा या रोक नहीं है। रोक उन लोगों के ऊपर है जो लोग हिमाचल प्रदेश में आके, ऐसा क्या है कि ये खाने पीने की व्यवस्था में ये लोग लगे हैं, ये लोग गोलगप्पे बनाते हैं उसमें थूकते हैं, रोटी बनाते हैं उसमें थूकते हैं, जूस बनाते हैं उसमें टॉयलेट करते हैं। ये सद्भावना हम लोगों के लिए, भाईचारा हम लोगों के लिए, हमारी बच्चियों के साथ। सुंजोली में आप चलिएगा, सुंजोली में 12 साल की अगर लड़की अगर सेब लेने जा रही है तो 50 रुपए किलो देंगे, 40 साल की महिला जा रही है तो उसको 60 रुपए किलो देंगे, और पुरुष कोई जा रहा है उसको 100 रुपए किलो सेब देंगे। ये कौन सा व्यापार? आपको जैसे आप बोल रहे हो, ये इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास? क्या एविडेंस है? कोई केस आपने बुक किया है? बिकॉज ये जो सारी चीजें हैं ना, ये तथ्य पे जाती हैं। और उस पे जो कानूनी कार्रवाई है वो चाहे सरकार करे, पुलिस करे, वो करती है। अब आप सबूत की बात कर रहे हैं, हम लोग पिछले 1.5 साल से हिमाचल प्रदेश है, मुखिया यहाँ पे एसपी महोदय के सामने हमने एप्लीकेशन दी, हर बारी हमने रिमाइंडर करते हैं कि प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुनती। उल्टा ऊपर से धमकी ये आती है कि आप ये बातें बंद कर दो, नहीं तो ऊपर आपको जेल में डाला जाएगा। ये लोग, प्रशासन सरकार का आदेश इतना बड़ा है पुलिस प्रशासन को कि पुलिस प्रशासन खुले में धमकियां दे रहा है लोगों को। ये जो आवाज उठा रहे हैं उन लोगों को बोलते हैं कि आपको घर से उठा लेंगे। मतलब आज हमने आपको सद्भावना यात्रा दिखाई, उसके बाद हम यहाँ पे देवभूमि संघर्ष समिति है उनसे भी बात कर रहे हैं। तो दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष सामने रख रहे हैं, जनता को तय करना होगा। और खासतौर पे इस पर पहली नजर है वो सुखविंदर सुक्खू की सरकार की भी है कि इतना कुछ हो रहा है। जाहिर सी बात है काफी बवाल हो रहा है, लेकिन इस बार जनता किसके साथ जाना चाहती है और क्या इनका पूरा मकसद है, ये जनता तय करे। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, शिमला आज तक।